वाकई बनना है। सीबीआई में काम कर रहा था विनीत सेट्टी। विनीत को पिछली जून ही सीबीआई से निकाला गया था करप्शन चार्जेस पर। ये डिटेक्टिव एजेंसी उसने उसके बाद ही खोली थी, जो अफसोस अब बंद करनी होगी। कुछ और मिला? कुछ नहीं मिला मैडम, नीचे भी पूछताछ की, उसके घर कोई नहीं आता। सर ये मेरा नहीं। निकोटिन च्युइंगम। सिगरेट की आदत छोड़ने के लिए लोग चबाते हैं। नीत के हाथ और होंठ देखकर साफ दिखता है कि ये सिगरेट नहीं पीता। तब यहाँ कोई आया था जो एक बुरी लत छोड़कर खून करने की दूसरी बुरी लत पकड़ रहा। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी यूनिट विनीत सेठी का केस सॉल्व कर रही है, राइट? आपको एक केस क्विकली इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट फाइल करनी होगी एंड मेक श्योर मीडिया को इस केस की कोई भनक नहीं लगनी चाहिए, वरना मीडिया सीबीआई को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर बदनाम कर देगी। एंड और एक बात, विनीत को कंप्लीट जस्टिस मिलनी होगी, क्योंकि जैसा भी हो वो हमें से एक ही ऐसे होगा सर। ओके देन ऑफिसर, आई वांट क्विक रिजल्ट्स। What a choice, boss. Good looking, yeah? क्या करता है? Profession से hair stylist है, लेकिन मॉडल भी कर लेता है। What? फिर भी आपकी मॉम ने इसे पसंद किया? Shut up. इसका नाम रॉकी सोनी है। गौरी ने विनीत के मेल से इसकी फोटो निकाली है। यही था विनीत का लास्ट केस। हेलो 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 गाइस, तो बात यह है कि रॉकी जिस सलून में काम करता था मैं वहां हो गया है। एंड राघव, तुम बिल्कुल सही थे, वो निकोटिन गम रॉकी इस्तेमाल करता था। बेचारा सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा होगा। और हाँ, मैंने उसके घर का पता भी लगा लिया है। जो भी है, विनीत एक समय पे सीबीआई का हिस्सा था। इट्स पॉसिबल कि उसका मर्डर सीबीआई के किसी पुराने केस से जुड़ा हो। हमें रॉकी को उसे घर से पकड़ना चाहिए। कोई भी आदमी सबसे ज्यादा बेपरवाह और कंफर्टेबल अपने घर पर ही होता है। हमें उसके बारे में सबसे ज्यादा उसे घर से ही पता चल सकता है। चले। परफ्यूम्स का शॉकिंग लगता है ये। लेडीज परफ्यूम। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, अब रॉकी खुद बताएगा सब कुछ। आने दो उसे, बुलवाते सब कुछ। तीन महीने से नहीं आया, अब क्या आएगा? कैसे पता? वैसा है ना, जब घर की सफाई ना हो तो पर डे पर स्क्वायर इंच अराउंड 426 डर्ट पार्टिकल जमा होते हैं। यहाँ मेरी उंगली पैक तकरीबन 1,26,438 डर्ट पार्टिकल्स है, मतलब कंपेयर। तो तीन महीना यार, बिजली का बिल बढ़ा है। तीन महीने से भरा नहीं गया ना छुआ गया, इसलिए तीन महीने। राघव क्या ढूंढ रहे? Yes, Raghu. Now, Gauri, कहो कि तुम्हारे पास मेरे लिए good news है। I have good news for you. उस hair sample पे black serum नाम की एक hair dye use की गई है। ये hair dye India में नहीं मिलती। In fact, वो बहुत ही महंगी German hair dye है।
और दिल्ली में उसके यूजर्स भी बहुत कम है। उन्हीं में से एक रॉकी की रेगुलर कस्टमर थी आकांक्षा अरोरा। गौरी, यू आर जस्ट अमेजिंग, गुड जॉब। थैंक यू। अच्छा, आकांक्षा अरोरा का एड्रेस मैं अभी एसएमएस कर रही हूं। हाय। हाय, एजेंट तुषार दीवान, दैट्स एजेंट राघव सिन्हा, सीबीआई। हमें आपकी वाइफ से कुछ सवाल करने थे। हम इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। इसका नाम रॉकी है और एक हेयर स्टाइलिस्ट है। हमें लगता है कि आपकी बीवी इसे जानती हैं। इफ यू कुड हेल्प अस। कौन है हमें? हाय, एजेंट त्रिशा देवान, दैट्स एजेंट राघव सिन्हा, सीबीआई। हाय। सीबीआई, क्या हुआ, क्या है? लेडीज पर आपको परफ्यूम, इट्स नाइस। थैंक्स। इसे जानती हैं? हाँ, मैं इसे जानती हूँ, लेकिन एक्चुअली सच पूछिए तो मैं इसे शक्ल से पहचानती हूँ। वो क्या है ना, मैं जिस हेयर सलून में जाती हूँ ये वहीं पे हेयर स्टाइलिस्ट है। लेकिन बात क्या है? ये कुछ समय से लापता है। मिस अरोरा, क्या हुआ? वो एक्चुअली इनके बिजनेस पार्टनर है मयंक, उन्हीं के साथ इनकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसी की वजह से ये परेशान भी है और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। डार्लिंग, आप अंदर जाके आराम क्यों नहीं कर लेते? एक्सक्यूज मी, हाँ बस एक सवाल, क्या आप किसी विनीत सेठी नाम के आदमी को जानते हैं? विनीत सेठी? अब नहीं, मैं किसी विनीत को नहीं जानता। थैंक यू सो मच। और आप प्लीज आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। थैंक यू। थैंक यू। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग फिर से आएंगे। थैंक यू। उसकी जासूसी कर रहा था, रॉकी सोनी के घर की तलाशी लेने पर और आकांक्षा से मिलकर आई एम श्योर कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था, इसलिए अमित जो कि आकांक्षा का हस्बैंड है उसी ने विनीत को जासूसी के लिए हायर किया होगा। और हाँ, आकांक्षा भी हमसे कुछ छुपा रही है। मैं ऐसा क्यों लग रहा है? सीबीआई का नाम सुन के अच्छे अच्छे होगी, लेकिन आकांक्षा ने सीबीआई का नाम सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं किया। सीबीआई बल्कि नॉर्मल बिहेव करने की एक्टिंग कर रही थी। राइट। एक्सक्यूज मी सर, कोई स्नेहा आपसे मिलने आई है, कह रहे कि उसने आपसे फोन पे बात की थी। हाँ, ले आओ ना। हाय, आई एम एजेंट राघव। हाय, आई एम स्नेहा। मैं आप लोगों से रॉकी के केस के बारे में कोई बात करना चाहती थी। हम दोनों पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में, लेकिन वो पिछले 3 महीने से कहीं गायब हो गया है। गॉड नोज कि वो कहाँ है। आई एम वरीड अबाउट हिम।
और पिछले 3 महीनों में आपने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की? एक्चुअली 3 महीने पहले हम लोगों का एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया था, इसलिए हम लोगों के बीच में बातचीत बंद हो गई। मुझे लगा कि हर बार की तरह वो सामने से आएगा और मुझे मनाएगा, इसलिए मैं वेट करती रह गई, लेकिन वो नहीं आया। मुझे अब लगता है कि मुझे पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। आप लोग जानते हैं कि रॉकी कहाँ है इस वक्त? वो ठीक है, वो शायद ही दिल्ली में। दिल्ली में? अगर वो दिल्ली में है तो सबसे छुप क्यों रहा है? क्योंकि पिछले हफ्ते पहाड़गंज में खून हुआ था और सीबीआई को शक है कि वो खून रॉकी ने किया है। खून? नहीं नहीं, मेरा रॉकी खून नहीं कर सकता। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 30% मर्द पार्टनर या गर्लफ्रेंड या वाइफ के प्रति लॉयल होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये रॉकी उसमें से नहीं था। क्या तुम जानती हो कि उसका अफेयर एक शादीशुदा औरत आकांक्षा अरोरा से चल रहा था? आकांक्षा? तुम जानती हो आकांक्षा? अब नहीं, मेरा मतलब हाँ, वो रॉकी ना आकांक्षा के बारे में बहुत बात करता था, पर सर मुझे पूरा यकीन है वो आकांक्षा है ना, और वो जो उसका पति है ना, क्या नाम था उसका, अमित, वो दोनों मिलकर मेरे रॉकी को फंसा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, वो औरत शक्ल से जितनी शरीफ दिखती है ना उतनी है नहीं। इंप्रेसिव, एक असिस्टेंट अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए आपके क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। मिस प्रीति वर्मा। प्रीति जी एक काम कीजिए, हमारे अकाउंट्स रूम में जाकर आप हमारे चीफ अकाउंटेंट हैं मिस्टर झा, उनसे मिल लीजिए। जी थैंक यू सर। थैंक यू। तो अमित क्या सोचा तुमने? मयंक, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि अरोड़ा इंडस्ट्रीज वाली प्रॉपर्टी मैं नहीं बेचना चाहता हूं। अरे तुम क्यों अपने जिद पे? इसलिए 4 सालों से बंद पड़ी है। सो व्हाट, बंद है तो है, मेरी प्रॉपर्टी मेरी मर्जी, मैं किसी भी कीमत पे ये प्रॉपर्टी नहीं बेचने वाला। देख लेना, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। आकांक्षा, मैंने वही किया जो तुमने कहा था, मैंने अरोरा इंडस्ट्रीज की प्रॉपर्टी बेचने से मना कर दिया। अकाउंट्स चेक कर लिए, अमित ने विनीत को किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट नहीं की है। थैंक यू गौरी। अरे हाँ, तुम्हें वहाँ ऑफिस में कोई वो मछली वाला एक्वेरियम दिखा क्या? एक्वेरियम? नहीं, क्यों? नहीं कुछ नहीं, थैंक्स। अमित से एक बार फिर मिल। मिस्टर अरोरा,
आप यहाँ? फैक्ट्री आपकी है? काफी बड़ा प्लॉट सुना है कि आपके पार्टनर इसे आपसे खरीदना चाहते हैं। जी लेकिन मैं बेचना नहीं चाहता। और देखिए अगर आप उस विनीत के बारे में मुझसे पूछने आए हैं तो मैंने उस दिन आपको बता दिया था कि मैं विनीत नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता। भूला नहीं हो, याद है। वैसे आप लगून एक्वा वर्ल्ड के बारे में कुछ जानते हैं? नाम सुना? अब ये क्या है? वसंत विहार में एक शॉप है जहां पर फिश एक्वेरियम और फिश फूड जैसी चीजें मिलती हैं। आप कभी ना कभी तो वहां गए होंगे ना? लगून नहीं, मैं नहीं गया। और मैं भला जाऊंगा भी क्यों? मेरे पास मछलियां नहीं है। जहां तक मुझे पता है कि अप्रैल के महीने में लगातार 4 हफ्तों तक आपने वहां से 60,000 रुपए का एग्जॉटिक फिश फूड खरीदा था। अब एक्वेरियम ना तो आपके घर में है ना ही आपके ऑफिस में। अब दो ही वजह होती, या तो आपको खुद वो एग्जॉटिक फिश फूड खाने का शौक है या फिर आप उसे झूठ बोल रहे हैं कि आप विनीत को नहीं जानते। ये फिर से विनीत? अब इस विनीत का इस एक्वा वर्ल्ड या जो भी है उससे क्या लेना देना? क्योंकि ये प्रॉपर्टी विनीत की है। जहां तक मैं जानता हूं कि आपने इस काम की पेमेंट विनीत की शॉप के नाम के अकाउंट में ही डाला। कैसा काम? आपकी बीवी पर नजर रखने की, ये जानने के लिए कि बाहर उसका फेयर किसके साथ चल रहा। व्हाट नॉनसेंस, ये आप क्या अनाप शनाप बक रहे हैं? अगर आप पहले ये मान लेते कि आप विनीत को जानते हैं, मुझे ये अनाप शनाप बकने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जस्ट चीलो पैसे, अब हो सके तो दोबारा हम नहीं मिलेंगे। मैं नहीं चाहती कि अमित को कुछ भी पता चले। तो क्या हुआ था? विनीत आपको ब्लैकमेल कर रहा था। वो आपकी पत्नी आकांक्षा जी और रॉकी की फोटो मीडिया में लीक करने वाला था, इसलिए आपने उसको मारा। नहीं नहीं नहीं, मैंने विनीत को नहीं मारा है। यकीन मानिए मेरा, मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसे नहीं मारा है। अगर मारा नहीं तो आप फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आप विनीत को नहीं जानते? और क्यों? वजह नहीं उसे? नहीं, वो हो सकता है मैं विनीत से मिला हूं, लेकिन भूल गया था। अब मुझे याद नहीं आ रहा है। भूल गए मतलब? मतलब मेरे कार एक्सीडेंट के बाद मुझे चीजें याद रखने में मुश्किल होती है। कार एक्सीडेंट? जी, करीब 3 महीने पहले 4 मई को आकांक्षा और मैं एक पार्टी से लौट रहे थे। मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अमित, किस्मत से आकांक्षा तो बच गई, लेकिन मैं 1 महीने तक हॉस्पिटल में था। डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे रेट्रोग्रेड एमनीशिया है,
इनफैक्ट जब मैं कोमा से बाहर आया तो मैं आकांक्षा तक को भूल चुका था। मैं अपने बारे में सब कुछ भूल गया था सर। वो तो धीरे धीरे बहुत मेहनत करके और प्यार से आकांक्षा ने मुझे सब याद दिलाया। रेट्रोग्रेड एम्नेशिया। जी सर, आपको यकीन नहीं हो रहा है। आप अगर चाहें तो मेरी मेडिकल फाइल्स देख सकते हैं। जेआर हॉस्पिटल में डॉक्टर पारेख ने मेरी ट्रीटमेंट की थी। आप चेक कर सकते हैं सर। हेलो त्रिशा, आकांक्षा होटल ब्लू ऑर्किड पहुंच गई है। यस ओके। नियमित यहाँ क्या कर रहा है? कितने पैसे चाहिए मेरा पीछा छोड़ने के लिए? बस, हम मैं और ऐसे नहीं रह सकती। कौन है? आकांक्षा, मुझे सब पता चल गया। बोलो रॉकी कहाँ है और ये लड़की कौन है और ये पैसे, ये सब क्या है? आकांक्षा क्या कर रही हो तुम? हामिद, I'm sorry, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। एक्चुअली मैं रॉकी को जानती हूँ। एक्सीडेंट होने के बाद हमें एक नया मौका मिला था, एक नई शुरुआत करने का। इसीलिए मैंने झूठ बोला कि मैं रॉकी को नहीं जानती। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। लेकिन इसी बात का फायदा इसने और रॉकी ने उठाया, मुझे ब्लैकमेल किया। बोलो कहाँ है रॉकी? मुझे नहीं पता।
देखो तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं इससे भी ज्यादा पैसे दूंगा। सिर्फ इतना बता दो कि वो कमीना रॉकी कहाँ है। मैं नहीं जानती, वो तो बस मैसेज करके मुझसे बात करता है। अच्छा फोन दिखा, फोन दिखा, फोन दिखा, वो ना मार दूंगा तुम्हें। अबे छोड़ो उसे, अबे छोड़ो, अबे बोलो बोलो। अमित स्टॉप इट, किल यू, स्टॉप, स्टॉप राइट देयर। एजेंट विक्रम, CBI। देखिए आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, और वैसे भी मेरे अगेंस्ट आप लोगों के पास कुछ भी नहीं। आकांक्षा को ब्लैकमेल करते हुए पकड़ी गई हो तुम, और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड रॉकी 3 महीने से गायब, और तुम्हारे मुताबिक वो सिर्फ तुम्हारे कांटेक्ट में था। ये हो सकता है कि उसके गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ हो, हो सकता है आकांक्षा से जेलस होकर तुमने रॉकी को कुछ कर दिया। स्नेहा ये CBI है, हमारे पास लोगों से सच उगलवाने के और भी तरीके हैं, बताऊं तुम्हें? क्या करते हा? वो आकांक्षा मेरे रॉकी को मुझसे छीन रही थी, जिस रॉकी को मैंने इतना प्यार किया, वो मुझे छोड़कर उस आकांक्षा के पास जाना चाहता था, इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे डराने की कोशिश की। And I'm happy कि अमित को उसकी वाइफ की असलियत का पता चल गया। विक्रम, मुझे अमित के हर मोमेंट की खबर चाहिए, यू अंडरस्टैंड? राघव, विनी तुम्हारे लिए गिफ्ट छूट गई है। दैट यू मिस्ड इट। कॉमिक्स? यप। राघव, सब जगह ढूंढ लिया मैंने, यहां कुछ नहीं है। यार विनीत एक CBI ऑफिसर था, उसे कुछ छुपाना है ना, तो ऐसी जगह छुपाएगा जहां फरिश्ते भी ना ढूंढ पाए, समझे? जैसे कि सारी किताबों पर उलझे मिले, सिर्फ ये किताब था। ऊपर से नाम है भगवान की तलाश, दादा मुझे पता है नीत नास्तिक था, वो ये किताब पढ़ी है सिर्फ बस। एग्जैक्टली JR हॉस्पिटल, अमित की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, तारीख है 7 मई, अमित का एक्सीडेंट हुआ था 4 मई। तो ये अमित की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट की फोटोकॉपी विनीत के पास कैसे? अमित की टेस्ट रिपोर्ट्स में विनीत क्या ढूंढ रहा है? हाँ विक्रम बोलो। व्हाट? एयरपोर्ट? या लेकिन अमित तो पिछले आधे घंटे से गाड़ी में ही बैठा है। अमित के घर से सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? वहां मिलो। ठीक है।
अमित वैसे मानना पड़ेगा प्लान तो बहुत ही अच्छा था। तुमने अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर को अपने कपड़े पहनाकर उसे एयरपोर्ट भेज दिया और खुद ट्रेन से निकल गया। मैंने ही रॉकी को मारा। मैं रॉकी को कैसे मार सकता हूं? वेट अ मिनट। रॉकी मर चुका है। हाँ, मेरे एक्सीडेंट से पहले मैं रॉकी के घर गया। मैंने बहुत पी हुई थी और नशे की हालत में उससे रहा नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे मार दिया। आकांक्षा और मैंने रॉकी की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और इस काम के लिए अरोरा इंडस्ट्रीज की प्रेमाइसेस से ज्यादा सेफ हमें और कोई जगह नहीं लगी क्योंकि वो प्रॉपर्टी पिछले 4 साल से बंद है। रॉकी की लाश को एक केमिकल टैंक में डाल दिया केमिकल टैंक में डाला जिससे कि उसकी लाश केमिकल की वजह से गल जाए। हाँ, और शायद आज भी आपको उस केमिकल टैंक में कोई सबूत मिल जाए। विनीत को इसके बारे में पता चल गया तो तुमने विनीत को भी मार डाला। मुझे विनीत तो याद भी नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और तुम्हें ये याद है कि तुमने रॉकी का खून किया है। मुझे कुछ याद नहीं है। मेरी वाइफ आकांक्षा ने मुझसे कहा कि मैंने रॉकी को मारा और इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि मैंने रॉकी को मारा है। तो फिर विनीत को किसने मारा? Come on, Disha, pick up the call. Hello, Trisha.
एक मिस्टेक का सोल्यूशन दूसरी मिस्टेक नहीं हो सकता। मुझे मारकर तुम्हारी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। नहीं राघव, मुझसे कोई नहीं जीत सकता, ना तुम और ना वो रॉकी। जोमित के मौत के बाद मुझे छोड़ने वाला था डर के मारे। देखो रॉकी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम इंडिया छोड़ देंगे। बच्चों वाली बातें मत करो कांक्षा, मैंने अमित की लाश को वहां केमिकल में डाल के तुम्हारा साथ दिया है। आकांक्षा, हमें सरेंडर कर देना चाहिए। तुम पागल तो ही हो गए, हमारा क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा? आई एम सॉरी आकांक्षा, अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं। रॉकी गाड़ी संभालो। लेकिन जब हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टर ने बताया कि रॉकी की याददाश्त चली जा चुकी है, तब सब कुछ बदल गया। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी से मैंने रॉकी को अमित बनाया। सब कुछ ऐसे हुआ जैसे जैसे यही होना था, ऐसे ही होना था। सब कुछ बदल गया, सब कुछ ठीक हो गया, मैं और रॉकी साथ में। लेकिन तभी विनीत को भी ब्लड ग्रुप अलग होने के वजह से रॉकी के बारे में पता चला, और अब तुम्हें। लेकिन डोंट वरी, विनीत की तरह तुम्हें भी मार डालूंगी। गुड बाय एजेंट राघव। चलो ठीक है, मुझे मार भी डालो, फिर क्या? फिर क्या, मैं रॉकी के साथ। कौन रॉकी? तुम्हारा मतलब जो तुम्हारा पति अमित बना, जो अपने आप को भी अमित समझता है। और जस्ट शट अप, वो भले अपने आप को अमित समझे, लेकिन मेरे लिए तो वो रॉकी है ना। तो तुम्हारी दुई पहचान है, लेकिन ऐसे तुम भी जानते तुम सिर्फ जिए जाओगे इस डर में कहीं उसे सच का पता ना चल जाए, कहीं उसकी याददाश्त वापस ना आ जाए। डर में जीने वालों की कैसी जीत आना चाहिए। बकवास बंद करो, मैं जानती हूँ तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। नहीं आकांक्षा, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें सिर्फ इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। वो कैसे? अमित को तुमने जानबूझ के नहीं मारा, वो अनजाने में। रॉकी का एक्सीडेंट भी अनजाने में। मेरे साथ जो तुम करने जा रही हो, तो पूरे होशो हवास जानते पूछते कर, जो कानून की नजर में गलती नहीं गुनाह है, एक बहुत बड़ा गुनाह। देखो तुम चाहो तो मुझे गोली मार सकते, कानून से भी शायद बच जाओ, लेकिन अपने आप से वैसे नहीं होता। तुम इस गुनाह को करने से खुद अपने आप को बचा सकते। ठीक है, मुझे दे दो। गोली चला दी थी तो थैंक्स। सॉरी क्यों? अरे कल रात तो अगर तुमने मेरा फोन ट्रेस नहीं किया होता तो तिशा वहां पहुंचती कैसे? Thank you. Hi, Raghav. Hi, boss. So, Vineet का case finally over? Yes. Well, हम लोग काफी lucky हैं। आकांक्षा ने जिस liquid में अमित की body को डाला था, उसे ये नहीं पता था कि वो liquid body preserve करता है। तो body पिघलने की बजाय preserve हो गई। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि body को उसी factory में छुपाया गया था?
उस रात को मैं न्यूज़पेपर में अमित की बंद इंडस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में एक आर्टिकल पढ़ रहा था। मुझे याद आया कि मैंने विनीत की शर्ट पर एक केमिकल का दाग देखा। और अक्सर वैसे केमिकल्स इंडस्ट्रीज में या तो यूज होते हैं या स्टोर किए जाते हैं। तुरंत कनेक्ट किया कि अरोरा इंडस्ट्रीज काफी दिनों से बंद पड़ी हुई और अमित पर्टिकुलरली वो फैक्ट्री बेचना नहीं चाहता। तुरंत लग गया कि इस फैक्ट्री में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अमित सॉरी रॉकी, रॉकी ने ऐसा क्यों कहा कि उसने अमित आई मीन रॉकी को मारा? तुम्हारी कंफ्यूजन सॉल्व हुई? क्योंकि उसे आकांक्षा ने कहा था। नहीं भाई, आकांक्षा ने मुझसे कहा कि मैंने रॉकी को मारा। रॉकी को रेट्रोग्रेड अम्नीशिया है और आकांक्षा ने उसे जो कहा उसने सच मान लिया। हाँ, और आकांक्षा को लगा होगा कि रॉकी अपने आप को बचाने के लिए ये बात छिपा के रखेगा। एग्जैक्टली। वेल, ऑल क्रेडिट गोज टू राघव। एग्जैक्टली, वो सच ही गया। तुम मुझसे छुप जा। All right, congratulations guys, another case solved. Come on now, back to work. Let's go. मेरी जिंदगी का भी एक सच है जिसे मैं भागा भागा कर रहा हूं।